हेलो और वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो पिछले वीडियो से लेके आज तक में अच्छा खासा गैप हो गया है कि नहीं, 10 दिन 11 दिन का गैप हो गया मेरे ख्याल से। लेकिन क्या करें, सेमेस्टर एग्जामिनेशन से चल भी रही हैं, अभी एक पेपर और बाकी है। और आज भी जस्ट मैं देख ही आया हूँ 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। उसके बाद मैं अभी रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा थक भी गया हूँ, एग्जामिनेशन लगातार प्रेशर डालते हैं। और साथ में जब आप फाइनल ईयर के आसपास हो, यहाँ पे आपको ख़त्म करना है और एक अच्छे नोट पे ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि एकदम जैसा तैसा पेपर लिख दो, ऐसा नहीं है। SGPA मैटर करता है अब, ठीक है। क्योंकि आप अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे फाइनल ईयर में कि आपका सिर्फ 7.8 7.5 ऐसा है, तो पता चल जाएगा कि आपने ध्यान नहीं दिया B.TECH में, सिर्फ आप टाइम पास किए हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। बीच में कल ही रात में 10 बजे के आसपास या 9:30 बजे के आसपास मैंने देखा था कि अलॉटमेंट लिस्ट आपकी जारी की गई है लैटरल एंट्री, मतलब B.TECH में एडमिशन्स के लिए लैटरल एंट्री में। जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स या BSc कैंडिडेट्स आते हैं सेकंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं जानता हूँ आप लोग कल से बहुत ट्राई कर रहे हो कि मेरे से बात हो जाए या फिर जो भी हो जाए, मेरे भी रीज़न थे। लेकिन ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, ऐसा बात नहीं है। अगली एग्जामिनेशन, लास्ट एग्जामिनेशन मेरी 20 तारीख को है, ठीक है, मंडे को है। तो इस बीच में मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपसे कॉल पे या फिर जो भी तरीके हो सकते हैं आपसे बात करने के, मैं करूँगा, ठीक है। तो लिस्ट आई है, लिस्ट में बहुत किसी का नाम है, बहुत किसी का नाम नहीं है। जिनका नाम है, जिनको उनके मत मुताबिक कॉलेजेस मिली हैं, जैसे BIT मिली हैं, यूसेट मिली है, रामगढ़ चाईबासा दुमका की फ्री सीट्स मिली हैं, और जो भी उनका उनको चाहिए था, जो भी कॉलेज उनके मन में था, उनको अगर मिली है तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यूसेट में जो आ रहे हैं, अच्छी बात है भाई, आइए, मैं यहीं पे हूँ हजारीबाग में। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझसे मिलें और मैं भी आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यूसेट यहीं पे हूँ और कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन हैं, मैं बस रिवाइज कर रहा था बैठ के, ठीक है। एग्जामिनेशन जैसे कहता हूँ, मतलब मैं सबके मैसेजेस देख रहा था किस किस तरह के नए नए क्वेश्चन थे। जैसे हर बार बहुत लोगों का ये बोलना होता है कि यहाँ क्लास करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, D2D वालों के लिए क्लास करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। फर्स्ट अलॉटमेंट में जिनका नाम आया, अगर मैं उसे नहीं लूँ, मुझे पसंद नहीं, तो सेकंड में मुझे क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर अपग्रेड करने से रिलेटेड इशूज़, फिर इस कॉलेज में मिला तो इस कॉलेज कैसा है, इसका ब्रांच कैसा है, मैंने ब्रांच चेंज कर लिया है तो क्या ये मेरे फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत किसी को सीट्स नहीं मिली, उनको इस बात का दुख है। बहुत किसी का अच्छा रैंक होने के बाद भी उनके मन मुताबिक सीट्स नहीं मिला, ये भी प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम, और उस सारे प्रॉब्लम्स को एक वीडियो में लाना, ये बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए है, ठीक है। तो मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है आई गेस, तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर लो, क्या जाता है। सबसे पहले जिनको जिनको कॉलेजेस मिल चुकी हैं, अच्छी कॉलेजेस जिनको जिनको मिल चुकी हैं, वो ऑब्वियसली बात है कि वो एडमिशन्स की ओर भागेंगे। आप टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं सब समझा रहा हूँ कैसे एडमिशन्स हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, ऑफलाइन हो रही हैं, BIT में किस तरह से एडमिशन्स हो रही है, रामगढ़ चाईबासा दुमका और भी जो अदर कॉलेजेस हैं उनमें किस तरह से एडमिशन हो रही है, फीस की क्या स्ट्रक्चर है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको भी कॉलेजेस पहले मिल गई हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे देखिए, आप लोग अब एडमिशन्स करोगे, अब आप लोग चले जाओगे, अब आप लोग को शायद इस चैनल का उतना अब जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब क्योंकि अब आप लोग B.TECH करोगे तो B.TECH में आप अपना आगे बढ़ोगे, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चैनल देखिए, आप लोगों ने इतना लंबा सपोर्ट किया, अब अपने जूनियर्स को ये फॉरवर्ड करिए। बस यही मैं चाहता हूँ कि अब अपने जूनियर्स जो भी हैं आपके, ऑब्वियसली बात है कि आप किसी ना किसी कॉलेज से ही बिलोंग कर रहे होगे, किसी भी डिप्लोमा कॉलेज से तो आप हो गई, तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को ये चैनल फॉरवर्ड करें, ये टेलीग्राम ग्रुप फॉरवर्ड करें, ताकि वो लोग कहीं मिस ना कर सकें अपने आने वाले टाइम में कुछ दिन में अपडेट्स, ठीक है। जैसे वो कैसे तैयारी करेंगे, क्या प्रिपरेशन करेंगे, कैसे क्या नहीं है, एडमिशंस किस का प्रोसीजर्स होते हैं, तो मैं आप मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो बात में क्या बोल रहा हूँ, बस आप चैनल को शेयर करें, बस और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक कमेंट आया था मेरे ख्याल से फर्स्ट रैंक, मैंने जैसे आपको अलॉटमेंट लिस्ट आपको अगर दिखाता हूँ, ये डाउनलोड सेक्शन में दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख रहा था कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट रैंक, एकदम फर्स्ट रैंक, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पॉसिबल कैसे, या फिर फर्स्ट रैंक, आई गेस उन्होंने क्या अपना चॉइस फिलिंग में मिस्टेक किया कि उन्होंने BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर उनको मतलब मिला। इट्स जस्ट लाइक अ शॉकिंग न्यूज, ठीक है। मुझे मैंने जब कल देखा ना, तो मैं बस मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बोलने के लिए एकदम उत्सुक हो रहा था कि ये क्या है, कैसे गलती हुआ इसमें, मतलब आपने क्या डाला। मैं मना करता हूँ हर एक स्टूडेंट को कि जब बहुत आपका रैंक ज्यादा होना, बहुत ज्यादा, तभी आप प्राइवेट को रखो अपने लिस्ट में। मैंने बताया था कि JCCBA मैन यहाँ पे, मतलब अगर आप प्राइवेट डालते हो ना, तो वो लोग प्राइवेट का सीट आपको देने के एकदम देने के लिए उत्सुक पड़े रहते हैं, ठीक है। कि आपने प्राइवेट डाला, इसको धराओ, प्राइवेट धराओ इसको, पहले वहीं झाड़ भेजो, वहीं भेजो प्राइवेट का सीट। वो जानते हैं कि गवर्नमेंट और फ्री सीट तो भर ही जाएंगे, उसमें तो कोई छोड़ेगा ही नहीं,
प्राइवेट को कौन देखेगा, तो जेसीसी भी कहीं ना अंडर में है तो उनको बर्बाद देगा सीधा सीधी, सोचो ना। बताओ यार अब क्या ही मतलब कुछ। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो प्राइवेट की सीट्स, पेमेंट सीट्स मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जिनको जिनको रामगढ़ चाबासा दुमका का पेमेंट सीट मिला तो थोड़ा सोच लीजिए, फीस आपको 70K के आसपास पेमेंट करना होगा एक साल में, ठीक है। 70K मतलब 70,000 रुपये पूरे एक साल में, मतलब 35,000 रुपये सेमेस्टर, फिर आपका वहाँ हॉस्टल मेस फीस जो भी आपका अलग होगा वो आपका खर्चा होता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप सोच लीजिए पेमेंट सीट में क्या होगा। फ्री सीट का फीस आई गेस 20,000 से 25,000 के आसपास या उससे अंडर ही रहता है, मुझे देखिए मुझे एक्यूरेट नहीं पता है, लेकिन उसी के अंडर में होता है, ठीक है। आप रामगढ़ चाबासा दुमका का वेबसाइट जाके सर्च कर लेना ना गूगल में, वहां पे उनका जो नंबर आएगा नंबर पे कॉल करके पूछ लेना ऑफिस आवर्स में, ठीक है, कि क्या फीस स्ट्रक्चर है सर, किस तरह से एडमिशन का क्या है। क्योंकि मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ऑनलाइन अगर वो एडमिशन ले रहे हैं तो ऑनलाइन मत करवाना, ऑफलाइन करवाना, बाकायदा उनके कॉलेज में विजिट करके ही करवाना। और मैंने आपको उस वक्त भी बोला था जब आपका ये चॉइस फिलिंग या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की वीडियो जो मैं बना रहा था, ठीक है, उसमें मैंने ये साफ साफ 38 मिनट के वीडियो में बोला है कि अगर आप इन सब कॉलेजेस एडमिशन कराने जा रहे हो फर्स्ट राउंड में तो प्लीज एक बार कंफर्म होके उनसे पूछ लेना कि कहीं अगर आपको सेकंड राउंड में उनसे अलग कोई कॉलेज मिल जाए, जैसे अगर आपको रामगढ़ आप जा रहे हो एडमिशन कराने, कहीं आपको यूसेट मिल जाए, तो आपको यूसेट अगर आना हो, और आना क्या हो, अगर आपको मिल जाएगा अगर फर्स्ट राउंड के बाद अगर कोई दूसरा राउंड में कोई सीट अलॉट होता है ना दूसरे कॉलेज या दूसरे ब्रांच में, तो ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड का जो सीट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, अगर आपको सेकंड राउंड में कोई नया सीट या नया ब्रांच या नया कॉलेज अलॉट होता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड का जो आपका सीट है वो तुरंत कैंसिल हो जाएगा, आपको उस दूसरे कॉलेज में या फिर दूसरे ब्रांच में तुरंत शिफ्ट करना होगा। अगर सेम ही कॉलेज में कोई दूसरा ब्रांच मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर वही ब्रांच सेम आपको सेकंड बार भी मिल जाए तब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, नया वाला अलॉटमेंट लेटर ऐसे ही डाउनलोड करके आपको अपना कॉलेज में जाके सबमिट कर देना है। तो ये सब रूल्स आप दिमाग में रखें, नहीं समझ आ रहा तो रिवाइंड करके अभी सुन लें बात को, ठीक है। और बात करते हैं, जिनका सवाल ये था कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में मुझे कोई सीट मिल चुका है लेकिन मुझे ये सीट पसंद नहीं है, ये कॉलेज पसंद नहीं है, तो क्या मैं सेकंड राउंड में जाऊं या नहीं जाऊं, ये सवाल है। तो इसका आंसर यही है कि देखिए आपको अगर गवर्नमेंट मिला है या सेमी गवर्नमेंट मिला है तो मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि आप उसमें जाके एडमिशन करा लो, ठीक है। जैसे अगर आपको BIT मिला तो आप ऑब्वियसली बात है इसमें कोई डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन हाँ ब्रांचेस डिपेंड करती हैं, बिल्कुल ब्रांचेस डिपेंड करती हैं। देखो मुझे एक सवाल पे एक बहुत मतलब इरिटेटिंग सा फील होता है, अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, ठीक है, मैं सपोज अब एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानना इस बात का, अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तो आपने अपने चॉइस फिलिंग में ECE, IT, CSE क्यों डाला? बेसिक सी बात है, मैं तब से बता रहा हूं आप लोगों को ये चीजें बातें, जिनको भी जैसे कोई अपने ब्रांच से अलग किन्हीं को अगर सीट मिल गया है ना और वो मुझसे ये सवाल पूछ रहे कि क्या इसमें जाना सही रहेगा, क्यों भाई आपने फिर डाला क्यों? आपको जब अगर उसके बारे में कोई स्कोप नहीं पता, आपको उसके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं पता, उनके सिलेबस नहीं पता है, उनके कैसे चीजों का करना, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में तो नहीं आ रहे, आप सीधा सीधी ब्रांच पेपर के साथ घुसोगे अंदर थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, तो आपने क्यों डाला? अगर आप मैकेनिकल से या सिविल से या फिर कोई कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस से बिलोंग करते हो तो आपने क्यों CSE, IT, ECE ये सब ब्रांचेस को फिल किया? आपने फिल किया क्योंकि आप जाना चाहते थे, मतलब आपको जो मिल जाए बस मुझे जाना है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। अगर आप मैकेनिकल या सिविल से बिलोंग करते हो तो आपको तो CSE, IT तो डालना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके लिए तो है ही नहीं, आपको सिंपल से अपना मैकेनिकल से ही रिलेटेड रखना चाहिए, मैकेनिकल से प्रोडक्शन से मेटलर्जी ले लेते, ये बहुत काफी है, इतना ही काफी है, केमिकल ले लेते वहां तक चलता, लेकिन अब आप CSE, IT ले रहे हो और फिर ये बात पूछ रहे हो कि मुझे CSE, IT लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो भाई आपने डाला क्यों? अगर आपको लेना ही नहीं था तो आपने डाला क्यों? क्यों दूसरे का सीट खराब करते हो आप लोग ब्रांच चेंज करके? तो ब्रांच इन्होंने चेंज किया ना वो बहुत गलत है, अगर जो कोप अप कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं दूसरे ब्रांचेस में जाने के बाद, ठीक बात है, लेकिन जिन्होंने चेंज किया, जिनको कोई नॉलेज नहीं था, जिनको कुछ आइडिया नहीं था कि क्यों चेंज किया मैंने, उनको खुद भी ये नहीं बात पता, जिनको कारण नहीं पता तो उनके लिए बेकारन बात हो गई, ठीक है। तो आप समझ लो कि आपको सेमेस्टर्स को कैसे मेंटेन करना, क्योंकि आप खुद सोचो आप कभी ना कभी कंपनी के इंटरव्यू में बैठने ही जाओगे, आज नहीं तो 2-3 साल बाद बैठोगे ना, तो जब बैठोगे तो आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछा जाएगा कि आपने डिप्लोमा इस ब्रांच से किया, आपने BTECH क्यों इस ब्रांच से किया, तो इसका जवाब आज से प्रिपेयर करवा लो इंग्लिश में, ठीक है, किसी से लिखवा के कि क्या आपको बोलना है वहां पे। तो ये सब चीजें आपको बेसिक सी बात समझनी होगी, क्योंकि इंटरव्यूअर वो रिज्यूमे लेके बैठता है आपका, ठीक है, वो रिज्यूमे से हर एक चीज पूछेगा, कुछ भी फॉल्स लिखोगे ना तो वहीं पकड़ में आ जाओगे। अगर स्किल्स में लिख दोगे कि मुझे जावा आता है, मुझे पाइथन आता है, उबंटू आता है, सी आता है, C++ आता है, मतलब हर चीज आपको आता है, बहुत लोग होते हैं ऑब्वियस सी बात है रिज्यूमे में सब कुछ डाल देंगे डिप्लोमा में मैंने ये प्रोजेक्ट किया, BTECH में मैं ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो बोलिए बताइए आपका क्या रोल था प्रोजेक्ट में। तो ये सब चीजें होती हैं, आप इंटरव्यू में फंसोगे फिर, तो ये सब चीजों पे आप ध्यान रखिए। और
आगे बढ़ते हुए कि जिनको फर्स्ट राउंड में मिला कि आपको सेकंड राउंड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मेरी यही राय है कि आपको जो अभी सीट मिला है अगर आप उस पर एडमिशन नहीं कराते हो तो आपके लिए सिक्योर नहीं रहेगा, ठीक है। ये बेसिक सी बात आप खुद समझो, क्योंकि सेकंड राउंड में इस बार से क्या हुआ 2021 में कि आपको फिर से चॉइस फिलिंग करने मिलेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, फर्स्ट और सेकंड राउंड का एक बार में ही चॉइस फिलिंग होता था, ठीक है। तो एक बार जो आपने चॉइस फिलिंग कर लिया वही फिक्स हो जाता था अगले काउंसलिंग के लिए, वो पिछले साल होता था, ठीक है, पिछले साल। इस साल से क्या होगा कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने का मौका फिर से मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का मींस फिर से फॉर्म भरने के लिए नहीं, चॉइस फिलिंग का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपने ड्यूटी का फॉर्म ही नहीं भरा तो आपको फिर से घुसने का मौका नहीं मिलेगा, सिवाय स्पॉट काउंसलिंग। और स्पॉट काउंसलिंग तभी होगा जब सीट वैकेंट्स रहेंगी, तभी स्पॉट काउंसलिंग होता है। ये सब बातें सबके लिए कॉमन है, चाहे वो बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए जा रहे हो या वो वीडियो इसको देख रहे होंगे, तो उनको भी यही समझना होगा। और आप वेट करिए, आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग भी आ ही जाएगा। लेकिन जब तक एडमिशंस नहीं ये खत्म होंगे, 22 तारीख तक आपके एडमिशन की डेट है, काफी है। और मैं आपको लग रहा हूं कि मैंने वीडियो लास्ट में बहुत लेट में रिकॉर्ड आपको करके दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, साइट अपडेट नहीं हुआ आपको, मैं बता देता हूं। आप बेसिक सी बात है, आप अपना नॉर्मली यहां पे जाएं, ठीक है, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग में आप जैसे यहां पे जाओगे अपना फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग करोगे, साइन इन करो, अपना साइट में जाओ, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा वो कॉलेज आपको दिख जाएगा वहां पे, ठीक है। और आप अपना वहां पेमेंट करो 1000 रुपए और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करो, और बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, जैसे आप अपना D2D वाला जो एग्जाम देने का होगा, एडमिट कार्ड याद से लेके आना, अपना रैंक कार्ड याद से लेके आना, अपना अलॉटमेंट लेटर लेके आना, अपना डिप्लोमा वाला सारे सर्टिफिकेट्स उठा के लेके आना। और हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस या बहुत सारे JUT रिलेटेड कॉलेजेस में उनका अपना सर्टिफिकेट TLC PLC ये सब जो भी चीजें होंगी, TC माइग्रेशन, वो सब नहीं आई है। ऑब्वियसली बात है, नहीं आई है, कोई बात नहीं, आप अपने कॉलेज में जाइए, अपने कॉलेज से एक एप्लीकेशन साइन करवा के ले आइए कि हाँ आपका अभी TC नहीं बन के आया, लेकिन ये बंदा 6th सेम में पास, अगर आपका 6th सेम का रिजल्ट तो आ ही गया होगा, तो ऑब्वियसली बात है कोई टेंशन की बात ही, आपने बस सारे सेमेस्टर्स के सर्टिफिकेट्स अपने लेके आना, ठीक है, 1st to 6th। अगर किसी का आपके पास मार्कशीट नहीं है तो उसका TR सीट का फोटो अपना जेरोक्स निकलवा के ले आना, और अपना वहां मार्क कर देना कि आपका ये इतना परसेंट है, मतलब कम से कम 1 to 6 में ये दिखाना आपको जरूरी है कि आप पास हैं डिप्लोमा में। सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ दिन में बन के आ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, एप्लीकेशन साइन करवा लेना अपने कॉलेज से, और अपने कॉलेज से प्रिंसिपल या वहां के से स्टैंप लगवा लेना, ठीक है, जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होगा जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि आपके सारे सर्टिफिकेट्स या जो भी डेटाज है वो अभी कॉलेज के अंदर जमा है, कुछ दिनों में इनको मिल जाएगा, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स इनको ये बना के दी जा रही है, ठीक है। ये फाइनल ईयर का अपना सर्टिफिकेट बनवा के अपना ले लेना वहां पे, जैसे एग्रीगेट उग्रीगेट जो भी होता है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बनवा लेना, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अपने डिप्लोमा वाले कॉलेज से करवाना पड़ सकता है, ठीक है। ये तब, क्योंकि मेरा भी जब 2019 में मैं जब एडमिशन कराने जा रहा था, तो उस वक्त हमारे ये रिजल्ट्स बहुत लेट में आए थे, तो हमारा भी TC कुछ बन के आया नहीं था, तो मैंने भी यही करवा लिया, और सबको ही हम लोगों ने ये कराया, क्योंकि सबको एडमिशन कराना था बीटेक कॉलेजेस में, तो बीटेक कॉलेज एडमिशन तभी मिलेगा जब आप कुछ एक प्रूफ ले जाकर देंगे, आप वहाँ पे सीधा हाथ डोलाते डोलाते नहीं जा सकते हैं, वहाँ वो सीधा भगा देंगे, बोलेंगे कि जाइए जाइए, टाइम बर्बाद मत करिए, बहुत भीड़ है, ठीक है। वहाँ पे आपको सीधा सीधा यही बोल दिया जाएगा कि आप कुछ लाइए, प्रूफ लाइए, तो आप दिखा दीजिए वहाँ कि हाँ भाई मुझे 1 महीना का टाइम मिला हुआ है, कॉलेज से मिल गया था, फिर ठीक है, आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। और एडमिशन का यही है कि आप दिखा दीजिए कि आप 1 से 6 सेमेस्टर पास हैं, और बाकी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स हैं वो बोर्ड से जैसे ही बन के आ जाएंगे मैं आपको जमा कर दूंगा। तो ये एप्लीकेशन में साफ साफ मेंशन होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें जरूरी होती है। और मैं आपको बताता हूँ फीस स्ट्रक्चर तो मैंने जैसे बताया ना, और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए देखिए मैंने सबका कॉलेज रिव्यूज बना के रखा हुआ, आप जाके देखिए फीस स्ट्रक्चर को, वरना अगर आपको कॉलेज रिव्यूज देखना पसंद नहीं आ रहा है, चैनल मतलब ढूंढने का मन नहीं है, तो चुपचाप से टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन ही है, टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वीडियोस पिंड है, ठीक है, वीडियोस पिंड किए हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस पिंड हैं, आप लोग पिंड वीडियोस बहुत जल्दी देखते नहीं हो, बार बार एक ही सवाल पूछते हो, और सबसे बड़ी गलती आप लोगों को यही है कि आप लोग म्यूट रखे हो यार टेलीग्राम ग्रुप को। मैं जानता हूँ बहुत बार मैंने ऑन कर दिया तो उससे परेशानी हो जाती है, लेकिन आप अनम्यूट कर दो, जब मैं ग्रुप को ऑफ कर देता हूँ चैट्स ना, तो आप लोग अनम्यूट कर लिया कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग वही सवाल दोबारा पूछते हो जब मैं जो सवाल को मैं वहां पे बता चुका होता हूं, तो इस चीज को आप लोग भी ध्यान रखें, ठीक है। खैर, और बहुत सारी चीजें मुझे बताने को, और एक चीज मैं आपका ध्यान इस जगह लाना चाहूंगा कि देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो डिप्लोमा में रहते हुए कुछ डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जॉब करना चाहते हैं, या फिर जॉब करते हुए बीटेक करना चाहते हैं और एक अच्छे पैकेज पे जॉब करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है सब कोई चाह रहे होंगे, तो एक आपको मैं बता सकता हूँ कि आपकी एक कंपनी है, यहाँ पे एक कंपनी है जहाँ पे आप रांची लोकेशन पे आप जॉब कर सकते हो इजिली, ठीक है, जहाँ पे आपको पैकेज अराउंड 3.50 समझ सकते हो, 3.5 लाख के आसपास का पैकेज, या 3.25 से 3.50 के आसपास का पैकेज आप समझ सकते हो इजिली, ठीक है। आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ, एक कंपनी है एल्गो ट्रेड 360 करके, ठीक है, आपको इस
कंपनी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, प्लस आपको इसकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये कंपनी आपको किस डिमांड पे या फिर किस रोल के लिए आपको हायर करना चाहती है, बिजनेस एनालिस्ट के लिए, ठीक है। आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हो बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, ठीक है। ये कंपनी बेसिकली आप एक तरह से देख सकते हो सॉफ्टवेयर बेचती है कंपनी, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर या बहुत सारी चीजों को देखती है। इसका बकायदा आपको फोन नंबर भी मैं दे दूंगा, जिससे आप बकायदा उनसे कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, डिटेल्स मांग सकते हैं, डिटेल्स जान सकते हैं कि क्या हायरिंग प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि ये बकायदा कंपनी 3.5 लाख दे रही है, ठीक है। हमने विप्रो का फॉर्म भरा था, ठीक है, विप्रो जान रहे हो ना, इतनी बड़ी इंफोटेक कंपनी है, वो हमें पैकेज दे रही है 3.50 की, ये भी कंपनी दे रही है, तो ठीक है, आप इसे देख सकते हो। ये बकायदा रजिस्टर्ड स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में, तो आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी। आप बाकी डिटेल्स आप चाहो तो देख सकते हो, नंबर है, नंबर पर फोन कर लेना, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपको लगता है कि आप इस रोल के लिए फिट बैठते हैं, तो आप अपना रिज्यूमे बायोडेटा, समझ में आ रहा है, सीवी बायोडेटा रिज्यूमे आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी पे आप मेल कर देना, ठीक है। आपको बकायदा मेल भी आएगा अगर आप उस रोल के लिए फिट बैठते हैं, अगर आपके क्वालिफिकेशंस, आपके जो स्किल्स है वो इस रोल के लिए ठीक बैठते हैं बिजनेस एनालिस्ट के लिए, तो आपको बकायदा कंपनी की तरफ से जो भी हायरिंग प्रोसीजर्स होंगे, जो भी हायरिंग, क्योंकि ये लोग बकायदा इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, इंटरव्यू 2-3 राउंड का होगा, बकायदा आपसे पूछे जाएंगे, इंटरव्यूज होंगे, और आपको आगे हायरिंग किया जाएगा, और आपको बकायदा शुरुआत में 4 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कि देखिए ऑब्वियस बात है, कोई भी कंपनी अपने अंडर हायर करती है तो पहले ट्रेनिंग देती है, वो आपसे किस तरह से काम लेना चाहती है वो पहले सिखाएगी, फिर आपसे वो बकायदा करेगी। तो ट्रेनिंग्स के दौरान भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा 15-20 के आसपास, ठीक है। वो मैं देखिए मैं आपको इतना ज्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी मुझे बनानी आगे, तो आप बकायदा उनमें नंबर दिया गया, आप उस पे कॉल कर सकते हैं, और अपने रिज्यूमे को एक बार मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपना रिज्यूमे को जरूर सेंड करें उस दिए गए ईमेल आईडी पे। उससे क्या होगा कि देखिए आपको जॉब तो चाहिए सबको, और अगर आपको ट्रेनिंग करने के दौरान 15-20 हज़ार आपको हाथ में आ जा रहा, तो आप अपना खुद का खर्चा भी निकाल सकते हैं, प्लस आप नया चीज को सीख रहे होंगे, बीटेक भी आप अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक करते हुए जॉब 3.5 लाख का एनुअल पैकेज काफी है, ठीक है, बहुत काफी है अभी, और एक्सपीरियंस प्लस मिलेगा, और उससे क्या होगा ना कि आपको जब एक्सपीरियंस मिलेगा और जब अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे कि आपने ये काम किया बिजनेस एनालिस्ट, बकायदा आपने 1 साल या 1.5 साल 2 साल जब तक भी आपने काम किया, उससे क्या होगा कि आपको बड़ी कंपनीज को क्रैक करने में आसानी मिलेगी, और प्लस अगर आप किसी फ्रेशर्स के साथ 10 फ्रेशर्स के साथ बैठे हुए, तो आपका रिज्यूमे ज्यादा भाव देगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि आपका ज्यादा रिज्यूमे में वेट पड़ेगा, वजन आएगा कि हाँ भाई ये एक्सपीरियंस होल्डर है। तो इस चीजों में देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, इस कंपनी का वेबसाइट का लिंक आपको जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो मिल जाएगा, प्लस आपको नीचे नंबर मिल जाएगा जिसपे आप कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं, और प्लस आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा जिसमें आपको अपने रिज्यूमे भेजना है। तो रिज्यूमे में आप देख लीजिए बिजनेस एनालिस्ट के लिए कि क्या क्या रोल्स, क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है, गूगल एक बार कर लीजिए क्या जाता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए, और जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातें मैंने आपको बताई कि आप जाइए, और एंटी रैगिंग और ये क्या बोलते हैं इसको मेडिकल सर्टिफिकेट, ये को बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अगर आप यूसेट में आ रहे हो तो एंटी रैगिंग और मेडिकल के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, आप आ जाइए बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपने फीस के साथ। फीस देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर आप यूसेट में आ रहे हैं तो आपको 34,000 कैश लेके आना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक है जिसमें आप जमा करोगे, यहाँ पे आपको वो डेबिट कार्ड से स्क्रैच नहीं लेंगे, ठीक है, ना ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कैश से ही यहाँ पे पेमेंट होगा, ठीक है। 34,000 सामने ATM भी SBI का, बैंक ऑफ इंडिया का, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो ये सब चीजों पे आप ध्यान रखें, आप कम से कम इतना कैश जरूर लाएं ताकि आपका यहाँ काम बन सके, और नहीं अगर आप लेके आ रहे हैं तो कम से कम डेबिट कार्ड 1-2 लेके आए ताकि आप कैश विड्रॉ करके एडमिशन करा सके। और आपका एडमिशन के लिए डेट आपके लिए कल तक बचाओ, कल सैटरडे, फिर संडे हो जाएगा, फिर संडे आपका 20 तारीख, मेरे ख्याल से 19 तारीख हो जाएगा, फिर 21 तारीख, 22 तारीख, मंडे ट्यूजडे आपके हाथ में बचा हुआ है। BIT सिंदरी में बात कर ले कि किस तरह से एडमिशन प्रोसीजर है, तो BIT सिंदरी में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखना चाहो ना तो जब फर्स्ट ईयर का एडमिशन हो रहा था तो यहाँ पे नोटिस निकला हुआ था, अभी आप लोगों के लिए कोई नोटिस नहीं आया, कल तक में नोटिस आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आज उनको अलॉटमेंट मिली होगी, ठीक है, जो BIT सिंदरी और जो भी रिस्पेक्टेड कॉलेजेस हैं सबको आज अलॉटमेंट लिस्ट मिली होगी सुबह सुबह, क्योंकि कल रात में 10 बजे आई तो सुबह सुबह ऑफिस खुला होगा आज 9-10 बजे, तो आराम से वो लोग देखे होंगे, और आज के आज नोटिस निकालने से अच्छा है वो लोग कल नोटिस निकाल देंगे, और ऑनलाइन एडमिशन होगा। जैसे ये सब आप नोटिस जाके देख सकते हो, BIT सिंदरी का ये सब फर्स्ट ईयर का एडमिशन का था, गूगल मीट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट वेमेंट सब कुछ एवरीथिंग ऑनलाइन हो रहा था BIT सिंदरी में, ठीक है, लेकिन बाकी सब कॉलेजेस में ऑफलाइन हो रही है, तो आप ऑफलाइन जाके एडमिशन कराएं, ठीक है। जिनको कॉलेजेस नहीं मिली है, तो ऑब्वियस सी बात है जिनको कॉलेजेस कुछ नहीं मिली है, मींस उन्होंने चॉइस फिलिंग अपने रैंक के अनुसार नहीं किया इसलिए उनको कॉलेजेस नहीं मिली। उसके बाद अगर जिनको कॉलेजेस नहीं मिली है, जिनका रैंक में तो पहले ही बोला था 2,000-3,000 के ऊपर अगर रैंक चला गया तो बहुत हार्ड है कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस हाथ में आना, ठीक है, बहुत मुश्किल है।
ठीक है, तो वही चीज अभी भी देखने को मिला। और मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप बीटेक करने जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि आप क्लास नहीं करोगे, या फिर ये सोच रहे हो कि डी टू डी वालों के लिए क्लास, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबके लिए एक रूल है। आप रेगुलर बैच से में हो या लैटरल एंट्री आ रहे हो, सबके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्लास आप करिएगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी कॉलेज में जा रहे हैं, आप क्लास करिएगा, बिना क्लास के बीटेक मत निकालना, ठीक है। जैसे डिप्लोमा में जैसे कैसे टाइम पास हम लोग कर लिए 3-3 साल, जहां ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाए, यही सब आता है, इसी को पढ़ लिया और निकल गए, नहीं ऐसे नहीं होगा। बीटेक में कुछ एक सीरियसनेस लाओ, ठीक है। और मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी बीटेक कॉलेज में जा रहे हैं, जब भी आप किसी सीनियर से मिलिएगा, ये देखिए मैं आपको एज अ सीनियर आपको ये गाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब गलतियां अक्सर लैटरल एंट्री वाले लोग कर देते हैं, ठीक है। क्या कि आप लोग जैसे कॉलेज में जो भी बीटेक कॉलेज में जाओगे वो एक प्रोफेशनल कॉलेज होता है, आपने डिप्लोमा कॉलेज में क्या किया उससे आप भूल जाइए, ठीक है, उसको आप दिमाग के एक साइड में हटा ही दीजिए, ठीक है, उसको सिर्फ एक याद बना के रखिए दिमाग में। अब आप एक प्रोफेशनल कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे बीटेक कॉलेज में, तो वहां पे किसी भी आप सीनियर या किसी से मिलते हैं ना, तो सर या मैम बोल के ही ग्रीट करिएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वहां पे भैया दीदी करके ग्रीट नहीं किया जाता। ये एक तरीका होता है प्रोफेशनल लाइफ को जीने का, जहाँ पे आप हमेशा सर और मैम करके ही बात करेंगे। और प्लस अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सर और मैम करते हैं, तो उसी चीज को वो बीटेक वाला प्रोफेशनल लाइफ जीना सिखाता है, तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लस अगर जिनको कॉलेज नहीं मिला, अगर वो डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, कम फीस में देख रहे हैं, तो बकायदा टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की वीडियो अगर कम फीस में एडमिशन के लिए आप लोग देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की वीडियो देखी होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना नहीं करना। फिर भी अगर आपको जानना है कि कम फीस में कहाँ पे हो सकता है, कहाँ एडमिशन हो सकते हैं, आपके रिलेटेड ब्रांचेस कहाँ मिल सकते हैं, क्या हो सकता है आपके लिए, जैसे बहुत ऐसे ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, डिप्लोमा में जॉब करते हुए अभी बीटेक करना चाहते हैं, क्लासेस कंपलसरी नहीं चाहते हैं, कम फीस में भी चाहते हैं, तो वो भी आराम से हो सकता है। आप चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पे आराम से बात कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए मेरे मैसेज का रिप्लाई के आने तक का, ठीक है। क्योंकि आप लोग तुरंत मैसेज करते हो और लगातार आप लोग भेजते रहते हो कि क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, आप लोग पेशेंस रखिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं, प्लस मुझे पढ़ना भी है, एग्जामिनेशन भी एक बचा हुआ पेपर, तो वो सब चीजों से रिलेटेड, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्या छूट गया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बता दिया कैसे आप डाउनलोड करोगे, जिनको कॉलेजेस मिल गया किस तरह से आप एडमिशन करना चाहोगे, बीआईटी सिंधी में ऑनलाइन, यूसेट में आप आइए, यूसेट में ऑफलाइन है, मैं यहाँ पे हूँ। हॉस्टल्स के लिए, मेस के लिए आपको नहीं सोचना, मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ आप यहाँ पे आराम से आके रह सकते हैं, अफोर्डेबल है, सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज हॉस्टल है। अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट या यूसेट आ रही है तो गर्ल्स की पीजी अगल बगल बहुत सारी, आपको यूनिवर्सिटी से जस्ट एक कदम भी ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा, आपको बहुत बहुत सही एकदम लोकेशन है। यूसेट का लोकेशन जो है ना, यूनिवर्सिटी बिनो भावे यूनिवर्सिटी का लोकेशन बीबीयू के अंदर में आता है यूसेट, तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, और जस्ट बाहर में इतने सारे लॉजेस है कि आप गर्ल्स पीजी ज्वाइंट जिस तरह से आप रहना चाहें आपको यहाँ पे बहुत सारे पीजीज मिलेंगे, ठीक है। तो उससे कोई जरा सा भी नहीं टेंशन है, आप मेरे मतलब जिस लॉज में मैं रहता हूँ उस लॉज में आपके रह सकते हो, मेहता रेजिडेंसी में आप इजिली आके रह सकते हो, जस्ट 10 कदम दूर में ही है, तो आप इजिली यहाँ पे आके रह सकते हो। उसके बाद अगर आपका रामगढ़ चैबासा दुमका फ्री सीट में हुआ, तो आप वहाँ कॉलेज में रिस्पेक्टेड कॉलेजेस में जाइए, और आप अगर किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो उस कॉलेज में एडमिशन से पहले ये पूछ लीजिएगा कि अगर आपको कोई ब्रांच अपग्रेड होता है किसी और कॉलेज में जाते हैं तो आपको कितना फीस रिफंड होगा, कितना फीस सिर्फ काट के मिलेगा या फिर पूरा का पूरा मिलेगा, क्योंकि अक्सर ये फ्री सीट वाले कॉलेजेस रामगढ़ चैबासा दुमका से ये कंप्लेन हमेशा सुनने की आती है हर साल की, उन्होंने पैसा काट के बहुत ज्यादा रख लिया, ठीक है। तो ये चीजें आप पहले से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। पेमेंट सीट पर आप जा रहे हो तो सोच लीजिएगा बहुत ज्यादा फीस लगने वाले, ठीक है, उससे कम फीस में आप किसी अच्छे कॉलेज में आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको आरवीएस मिल रहा है तो आप भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीएफडब्ल्यू में कट सीट तो उतना ज्यादा किसी को मिला नहीं है, तो टीएफडब्ल्यू का सीट थोड़ा मुश्किल है, और अगर किसी को कैटेगरी वाइज सीट मिला तो उनका अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट एकदम बकायदा प्रिपेयर कर लीजिए। और आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चन थे कि 17, 18, 16 ये सब टाइम का सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल है चलना भाई, 18-19 तक वाला बहुत मुश्किल से चल जाएगा, ठीक है, उससे पहले का बना हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, तो 18-19-20 वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 21 तक वाला, तो 21 तो अपडेटेड हो गया। और जो जो ये पूछ रहे थे कि मेरा ब्रांच चेंज हो गया, क्या मुझे नए ब्रांच के साथ पढ़ना चाहिए कि नहीं, बीटेक, ये देखिए आपको पहले डिसीजन लेना था, ये लेना चाहिए था जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे थे, कि आपने आपको क्या लगा कि आप जो भी चाहेंगे ब्रांच डाल देंगे आपको मिल जाएगा उसको पढ़ लेंगे, वैसे मुश्किल है, आप सोच लीजिए कि आपने जो नया ब्रांच लिया वो आपके लिए सही होगा कि नहीं होगा इन फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि 3 साल बाद आप गेट के एग्जामिनेशन देंगे, चाहे किसी कंपनी का इंटरव्यू उसका फॉर्म भरेंगे, चाहे
बहुत सारे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स का फॉर्म भरेंगे। और हाँ, जहां बात आ रही ऑनलाइन ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स का, मैंने जो वीडियो का बोला था वो एक दो दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए देखना, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में ऑन कैंपस से ज्यादा ऑफ कैंपस बहुत मैटर करने लग गया है, ठीक है, तो ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। और जो मैंने आपको बताया कि कैसे जॉब के लिए आप एल्गो ट्रेड में आराम से आप इसके यहाँ के जो वैकेंसीज खुली हुई हैं बिजनेस एनालिस्ट के लिए, इसके लिए आपको मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके अपना रिज्यूमे भेज सकते हो उनके रिस्पेक्टेड जीमेल आईडी में, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई चीजें छूट गई हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप मैसेज करिए या इंस्टाग्राम ट्विटर या टेलीग्राम में आइए, ग्रुप में, ग्रुप तो चैट ऑफ है, तो आप मुझे वहां पर टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज करिए, मैं टाइम निकालते ही तुरंत तुरंत आपको मैसेजेस का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और अगर किसी को सीट्स नहीं मिली है तो आप अगर आप चाहते हैं सेकंड राउंड का वेट करना तो आप वेट करिए, लेकिन मेरी यही सलाह है कि अगर आपको गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिली है तो आप एडमिशन जाके कंफर्म करा लो, क्योंकि इससे उसका रीजन यही है कि आपका वो सीट सिक्योर रहेगा, ताकि अगर आप सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं भी मिला तो आपका फर्स्ट राउंड का सीट सिक्योर रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन आपने अगर फर्स्ट राउंड का सीट आपने बुक नहीं किया, मतलब 1000 रुपए दे के अलॉटमेंट नहीं डाउनलोड किया और जाके एडमिशन नहीं कराया, तो आपका वो सीट चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड राउंड वो सबके लिए ओपन हो जाएगा, वो सबके लिए ओपन हो जाएगा, आपके लिए अब वो रहा नहीं, अब सबके लिए ओपन हो गया, तो कोई भी उस सीट को ले सकता है, आपको मिलेगा तो ठीक है, बच गया आप, अगर नहीं मिला तो फिर जो मिला था वो भी तो आपके यहाँ से चला गया। और जिनको अदर अदर कॉलेजेस मिले हैं जैसे RIT कोडरमा या RTC, तो आप सोच लीजिए भाई उन सब कॉलेजेस में आप बीटेक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत कुछ है चीजें आप सोच सकते हैं। और अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं एक साल के, आप तो 6 महीने बाद ही D2D का नेक्स्ट एग्जाम आ जाएगा, तो मेरी यही सलाह है तो सोच लीजिए, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद अक्सर लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ध्यान हट जाता है इंजीनियरिंग से, फिर वो नॉर्मल जनरल कंपटीशन की तैयारी में चले जाते हैं, तो इन सब चीजों पे आप ध्यान रखिए। और हाँ, पेरेंट्स देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि BIT मिल जाता तो अच्छा लगता, पेरेंट्स को अच्छा लगता है, ये देखिए ऑब्वियस सी बात है, सबको अच्छा लगता है कि इनको ये मिल जाता वो मिल जाता, अगर हमारे हिसाब से सब कुछ चलने लग जाए तो जरूरी नहीं है, आपकी किस्मत में जो लिखा था आपको वो कॉलेज मिला, अब आपके अंडर है कि वो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर आप जैसे आपको यूसेट मिला तो आप बिल्कुल नहीं सोचिए, आपको ऐसा लग रहा है कि यूसेट अगर ये है प्रॉब्लम ये है वो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आपको कोई शिकायत देखने को मिलेगी, ना कोई फैकल्टी में मिलेगी, ना ही प्लेसमेंट्स के लिए। देखिए डिप्लोमा में आपने देखा कि आपको कितना प्लेसमेंट्स हुआ, तो वही हाल बीटेक का भी है, आपको यहाँ ऑफ कैंपस में बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि बीटेक की डिग्री जब आपके हाथ में होगी ना तो आप बहुत ज्यादा हजारों जगह फॉर्म भर के भेज सकते हो अपना रिज्यूमे, ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे हैं ऑफ कैंपस, ऑब्वियस बात है, मेरे सारे दोस्तों ने विप्रो में निकाल लिया, किसी ने TCS में निकाला हुआ, किसी ने कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, ये सब इंफोसिस में निकाला हुआ, सब ऑफ कैंपस, मैंने भी ऑफ कैंपस का फॉर्म भर के रखा, मेरा कल ही कैपजेमिनी का एग्जाम है 5:30 बजे शाम में, ठीक है, सब रूम में बैठ के हम लोग देंगे, इसी तरह कैमरा को जो मैं फेस कर रहा हूँ उसी तरह इनविजिलेटर कोई सामने बैठा होगा, आपको बस एग्जाम देना है, तो बस यही सब चीजें हैं, तो इसी तरह से आपको भी बढ़ना है, इसी तरह आपको भी सीखना है, तो समय के साथ आप भी सीख जाओगे, ठीक है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप यूसेट आओ, मेरे से मिलो, कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा यार, अच्छा लोकेशन है, काफी ठंड है यहाँ पे हजारीबाग में, और एडमिशन के लिए मैंने आपको बता दिया, तो अगर कुछ और छूट गया हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, और कीप सपोर्टिंग गाइज, और प्लीज शेयर करिएगा चैनल को, प्लीज अपने जूनियर्स को ये फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से ये चैनल इतना थोड़ा सा ऊपर आया, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग भी ध्यान रखिएगा, तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट।